हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हमने बनाया मॉस्किटो किलर, जो कि बहुत ही अमेजिंग है फ्रेंड्स। ये इसमें कोई भी करंट का फ्रेंड इशू नहीं है। इसको बनाने के लिए एक हमें पहले बकेट ले लेंगे इस टाइप की फ्रेंड्स। ये मैंने बकेट ले ली थी। आप भी इस टाइप की एक बकेट ले लीजिएगा, ताकि आपको शॉक वगैरह ना लगे करंट। जो भी हम इसके अंदर फ्रेंड्स सर्किट वगैरह लगाएंगे, वो इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे, ताकि हमें करंट वगैरह ना लगे। इसके लिए मुझे एक पुराना रैकेट ले लेना है इस टाइप का। चलिए मैं इसको जल्दी से ओपन कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, ये बहुत ही अमेजिंग बकेट है मॉस्किटो के लिए। इसको मैं जल्दी से ओपन करके दिखाता हूँ। इसके जो मैं वायर्स हैं, इसको मैं बाहर निकाल लूंगा फ्रेंड्स। जो इसका सर्किट है, इसको भी मैं ओपन कर लेता हूं। ये मैं सर्किट निकाल लिया फ्रेंड्स बाहर। इसका सर्किट हम इसमें यूज करेंगे, और इसका जो है नेट, इसकी नेट भी हम इसको यूज करेंगे। इसको मैं साइड में रख देता हूं। इसको मैं ओपन कर लूंगा फ्रेंड्स। आप भी फ्रेंड्स इसको जो है इजीली मेकिंग कर सकते हैं, बना सकते हैं अपने घर में ही, बहुत ही अच्छा। फ्रेंड्स, इसके भी जो नेट है फ्रेंड्स, इसको मैं बाहर निकाल लूँगा। कॉमन जो होती है हमारी, ये हमारी दो साइड में रहती है अर्थ के लिए। ये हमारी कॉमन है, इसको मैं नाप लेता हूँ पहले। इस टाइप से फ्रेंड्स मैं इसके अंदर इंस्टॉल करूँगा इस नेट को, ताकि हमें करंट वगैरह ना लगे। अगर जैसे हमारा रात को हाथ वगैरह लग जाता है, तो हमें करंट लग सकता है फ्रेंड्स। लेकिन ये हमने इसी हमारे बकेट रख लिए। इस बकेट को हम अपने बराबर में भी रख सकते हैं, ताकि हमें शॉक वगैरह ना लगे फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ही इसके अंदर बहुत हाई करंट होता है। ना तो फ्रेंड्स ये एसी है, ना ये डीसी है, ये होता है फ्रेंड्स बूस्ट करंट। इस बात का हम ध्यान रखेंगे खास, कि हमें करंट नहीं लगना चाहिए। इसके लिए हम इसको इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे अच्छे से। इसका मैं साइज़ की काट लेता हूँ। ये हमारी अर्थ वाली है फ्रेंड्स, कॉमन नहीं है, हमारी अर्थ के लिए है। बीच में हमारी जो है कॉमन आएगी, कॉमन नेट आ जाएगी। थोड़ा संभाल के करिए, इसमें मेरे हाथ में लग गई थी, बहुत संभाल के करना है हमें मेकिंग। इसको इस टाइप से रखेंगे हम। ये सेकंड वाली है फ्रेंड्स, इसको भी हम इसके साइज की काट लेंगे सीधर की मदद से। इस टाइप से हम इसको रखेंगे, सेट करेंगे इसके अंदर दो साइडों में, एक बीच में कॉमन आएगी हमारी। कॉमन के लिए फ्रेंड्स मैं इसकी बीच की नेट निकाल लेता हूँ। इसको भी मैं जो है इसके जो साइज है, इसके साइज की मैं कट कर लूँगा, जो मैंने साइज काटा था अर्थ वाली के लिए। इस टाइप से हम इसको रखेंगे, और इसको भी हम साइड में लगा के देख लेंगे एक बार। हम बीच में कॉमन के लिए फ्रेंड्स, ताकि हमारी अर्थ जो है टच ना हो, इसके लिए हम इसी का यूज़ करेंगे फ्रेंड्स। जो इसका हमारा जो प्लास्टिक थी, इसमें हम इसको यूज़ कर लेंगे इसी की। जो इसका फ्रेम था, इसको मैं कट कर लेता हूँ अच्छे से। इसके फ्रेम को मैं कट कर लूँगा, और ये वाला फ्रेम भी मैं कट कर लूँगा फ्रेंड्स।
मार्कर से मैं इसको कर लेता हूँ और इसको इस तरीके से प्लायर की मदद से, कटर की मदद से निकाल लूँगा इसको भी मैं इस टाइप से। इसके अंदर हम कॉमन रखेंगे बीच में, इसको ऊपर इस तरीके से रखेंगे और इसको हम इस तरीके से रखेंगे नीचे वाली अर्थ के लिए। इसको फ्रेंड्स मैं ग्लू गन की जो स्टिक होती है उसको मैं इससे अच्छे से सेट कर लूंगा, इसको स्टिक से इसको मैं लगा लूंगा। चलिए मैं दिखाता हूँ लगा के इसे कैसे लगाना है। ये मैंने लाइटर से इसको हीट कर लिया और इसको अच्छे से मैंने इसको ऊपर पेस्टिंग कर दिया इसकी, मैंने अच्छे से लगा के इसे, इसको मैंने अच्छे से इसको चुपका दिया इसे ग्लू गन से। इसकी जो स्टिक आती है ये दोनों तरफ लगा दी थी मैंने इस तरीके से। ये हमारा तैयार हो गया फ्रेंड्स छोटा सा एक नेट। इसके वायर थोड़े छोटे हैं तो जल्दी से इसके मैं वायर भी फ्रेंड्स बड़े कर लेता हूँ। इसमें कॉमन होगा दो वायर अर्थ के होंगे, जो अर्थ के होंगे वो हम दोनों को मिला देंगे और कॉमन को हम कॉमन नेट देंगे जो हमारी बीच की वाली नेट है। फ्रेंड्स ये बहुत लो कॉस्ट में बन सकती है हमारी मॉस्किटो किलर जो है, इसमें हमारा ज़्यादा पैसा नहीं लगा और बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स। ये एक आपको बस पुराना रैकेट लेना है और थोड़ा सा सामान लेना है फ्रेंड्स। इस वायर को मैंने कर लिया है कनेक्ट, इसके बाद मैं इसको रख लूँगा अंदर इस टाइप से। थोड़ा सोल्ड कर दूंगा ताकि हिले नहीं अंदर से नेट इसकी जो मैंने लगाई है। ये हमारा फ्रेंड्स बूस्ट सर्किट है, हमें इस पर जो है बहुत अच्छे से वर्क करना है देख के, क्योंकि हमें करंट लग सकता है फ्रेंड्स, ये बहुत हाई पावर का होता है। मुझे फ्रेंड्स इसके लिए ब्लू एलईडी लगानी है इसके अंदर ताकि हमारे मच्छर जो है मॉस्किटोस के ऊपर अट्रैक्ट हों, तो मैंने इसके अंदर एलईडी बल्ब ले लिए हैं। उन दोनों को फ्रेंड्स मैंने जो है कनेक्ट कर लिया अच्छे से बल्ब को। इसको मैं सोल्ड कर लूंगा एलईडी जिनकी एलईडी है ब्लू वाली। पैरेलल में मैंने लगा लिया है फ्रेंड्स एलईडी को जो है, पैरेलल में हमें इसके कनेक्शन करने थे। इस टाइप से मैंने लगा लिया है इसको अच्छे से। एक स्विच लेंगे हम, एक बीएमएस लेंगे हम और फ्रेंड हम लिथियम दो सेल का भी यूज़ करेंगे इसके अंदर। पहले इसकी सेटिंग कर लेते हैं हम अच्छे से। ये मैंने फ्रेंड्स लिथियम सेल ले लिए हैं दो 2000 mAh का फ्रेंड्स एक है और छोटा वही है हमारा 3.7 volt का है। दोनों को मैं जो है फ्रेंड्स पैरेलल में कनेक्ट कर लूँगा ताकि हमारे एम्पियर बढ़ जाएँ, बैकअप अच्छा दे। ये हमारा टाइप सी का जो है बीएमएस है, मैं आपको चला कर दिखाता हूँ फ्रेंड्स। ये टाइप सी बीएमएस है, ये देखिए चार्ज होने के बाद ये फ्रेंड्स जो है ब्लू और वैसे जो है रेड लाइट जलती है इसके अंदर जब फुल चार्ज हो जाएगा हमारा। इन दोनों सेलों को मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। पैरेलल में करना है हमें कनेक्ट, सीरीज में नहीं करना है क्योंकि हमें 3.7 वोल्ट देने हैं इसको। दो सेल का यूज़ किया ताकि इसके एमएच बढ़ जाएं, बैटरी बैकअप अच्छा रहेगा, पूरी रात तक ये वर्क करेगा फ्रेंड्स इजीली एक बार चार्ज करने पर। यह बीएमएस है, सिंपल कनेक्शन होते हैं फ्रेंड्स बीएमएस के। इसको मैं इस तरीके से लगा लूँगा ऊपर, एक कट लगाना पड़ेगा मुझे यहाँ पर सेट करने के लिए इसको, और ये सर्किट को भी मुझे सेट करना है। इस सर्किट को पहले मैं सेट कर लेता हूँ ग्लू गन की स्टिक से और सेल में मैं सोल्डिंग भी कर लूँगा।
फ्रेंड्स BMS पे सब लिखा रहता है, इनपुट और आउटपुट, बैटरी का साइन होता है इस पे BMS पे। ये मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ अच्छे से। दो वायर आउटपुट के और दो वायर इनपुट के मैं कर लिए मैंने इसमें कनेक्ट इस टाइप से कुछ। एक बार मैं इसको जो है दिखाता हूँ आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, रेड लाइट जल रही है, तो ये फुल चार्ज हो जाएगा हमारा सेल लिथियम बैटरी, तो ये ब्लू हो जाएगी। ये हमारे जो हैं फ्रेंड्स आउट हैं, इसमें हम स्विच लगा के कनेक्ट कर लेंगे। इसको मैं सेट कर लूँगा फ्रेंड्स ग्लू गन के स्टिक से। इसको ऊपर चिपका दूँगा, अच्छे से पेस्ट कर दूँगा। और ये बैटरी को भी देखते हैं किधर लगानी है हमें, किधर नहीं लगानी है। इस टाइप से हम ये BMS सेट करना है, बैटरी को इधर साइड में कर लेंगे हम सेट। ये ग्लू गन से मैंने इसको अच्छे से पेस्ट कर लिया है। और ये BMS के लिए मैं कट बना दे रहा हूँ आयरन से। एक स्विच है, स्विच को भी मैं देखता हूँ किधर लगाना है फ्रेंड्स। इस टाइप से स्विच लगाना है हमें, इसको भी मैं कट कर लेता हूँ आयरन से। सिंपल कनेक्शन है, बटन को हम सीरीज में लगाएंगे, पैरेलल में नहीं लगाएंगे। ये मैंने लगा दिया, साथ में इसके LED भी मैं जोड़ दूंगा। इस बटन को मैं ख़त्म कर दूंगा फ्रेंड्स, शॉर्ट कर दे रहा हूँ इस बटन को। पहले इसका था ऑप्शन, अब नहीं है। ये देखिए फ्रेंड्स वर्क कर रहा है बहुत ईजिली। बटन का कनेक्शन जो थे मैंने पहले वाले के हटा दिए थे, उसको डायरेक्ट कर दिया था। अब ये दो वायर बचेंगे, इसको मैं कनेक्ट कर लूँगा। जो कि मैंने दो अर्थ करे थे वो एक पे हम जोड़ देंगे, जो कॉमन था वो हम एक कैपेसिटर पे लगा देंगे, किसी भी कैपेसिटर के दो पे एक पे कर देंगे हम कैपेसिटर जो था हमारा। इस टाइप से इसको अच्छे से हम क्लोज करेंगे। ये हो चुकी है फ्रेंड्स हमारी रेडी। इसको मैं दिखाता हूँ चला के, ये बहुत ही अमेजिंग है फ्रेंड्स। लाइट वेट है, इसको हम बराबर में रख सकते हैं रात वगैरह में। अगर हमारा सोते में हाथ भी लग जाएगा तो हमें करंट नहीं लगेगा, क्योंकि सब कुछ इसके अंदर है फ्रेंड्स, सर्किट वगैरह। एडवांटेज फ्रेंड्स यही है इसका कि हमें करंट वगैरह नहीं लगेगा फ्रेंड्स। ऑप्शन ये भी है कि अगर हम ब्रैकेट के अंदर लगा देते, रैकेट को भी हम खड़ा नहीं कर सकते फ्रेंड्स ईजिली। इसकी एक टाइप का स्टैंड भी है हमारा। और फ्रेंड्स रैकेट को अगर हम लगा भी देते LED, तो हमारा सोते में अगर हाथ बात लग जाता हमें करंट लग जाता। इस हमारी हमने इसमें बकेट बनाई है इसको। ये देखिए फ्रेंड्स, ये टाइप सी चार्जिंग है, चार्ज हो रही है रेड, और जब ये चार्ज हो जाएगी तो ब्लू जलेगी। दिखाता हूँ मैं आपको, अभी तो रेड जल रही है, चार्जिंग हो रही है। जब ये हमारी फुल चार्ज हो जाएगी तो ये इंडिकेट करेगी फ्रेंड्स ब्लू लाइट का, कि हमारी लाइट चार्ज हो चुकी है। देखिए फ्रेंड्स ये ब्लू जल रही है, यानी कि फुल चार्ज है। इसको मैं ऑन करके दिखाता हूँ एक बार। इस टाइप से ये ऑन होगा, ये देखिए ये काफ़ी